आपका पहला प्रश्न है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ए चीन, बी सी भारत, डी इंडोनेशिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। आपका अगला प्रश्न है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है ए 1.2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1.7 लाख, डी 1.9 लाख। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.5 लाख। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ग्रीन चैनल है? ए डाक सेवा, बी आकाशवाणी चैनल, सी दूरदर्शन चैनल, डी टेलीफोन सेवा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डाक सेवा। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंध। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की? ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चंपारण। आपका अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 6, सी 8, डी 10। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए भद्राचलम, बी चिदंबरम, सी हम्पी, डी कोणार्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हम्पी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी मराठी, डी तमिल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तेलुगु। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 50%, बी 40%, सी 45%, डी 55%। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 40%। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पाली, डी प्राकृत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत। आपका अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ए जर्मनी, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए 1982, बी 1985, सी 1987, डी 1989। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1985। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी इलाहाबाद, डी कोलकाता। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? ए म्यांमार, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। आपका अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ए शोभना जगदीश, बी अविनाश कौर सरीन, सी प्रतिमा पुरी, डी सलमा सुल्तान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिमा पुरी। आपका अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ए 1980, बी 1972, सी 1975,
डी 1981। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1972। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई, डी बस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भोपाल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी देहरादून। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी देहरादून। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा, डी सोना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तांबा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा क्या है? ए सहारा एयर, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया, डी एलायंस एयर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एयर इंडिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए चाय, बी गन्ने का रस, सी नींबू पानी। सही जवाब है ऑप्शन ए चाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही जीके के मजेदार सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपके ऑप्शंस है, ए हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? आपके ऑप्शंस है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी इंदिरा गांधी, डी मनमोहन सिंह। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा मंदिर किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस है, ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृहत्याग किया? आपके ऑप्शंस है, ए 29 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 39 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 29 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लड़कियां कपड़े नहीं पहनती है? आपके ऑप्शंस है, ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, मशहूर खिलाड़ी विजय सिंह किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस है, ए क्रिकेट, बी गोल्फ, सी हॉकी, डी वॉलीबॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गोल्फ। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपके ऑप्शंस है, ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी गोवा, डी सिक्किम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? आपके ऑप्शंस है, ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तांबा। आपका अगला प्रश्न है, मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस है, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रथम। आपका अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है? आपके ऑप्शंस है ए सिक्किम, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी मेघालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, झीलों का नगर किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी श्रीनगर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी श्रीनगर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पशु है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए रोहू मछली, बी शार्क, सी कछुआ, डी गंगा डॉल्फिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा डॉल्फिन। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में लोग कपड़े नहीं पहनते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी जाम्बिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आपके ऑप्शंस है ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी, डी मदर टेरेसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी किरण बेदी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही जीके के मजेदार सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, दूध के साथ क्या खाने से इंसान मर जाता है? आपके ऑप्शंस है ए दाल, बी केला, सी नमक, डी नींबू। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दाल। आपका अगला प्रश्न है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए बाघ, बी शेर, सी हाथी, डी घोड़ा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शेर। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं ए कल्पना चावला, बी प्रजया सुल्तान, सी पछेंद्री पाल, डी सुचेता कृपलानी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पछेंद्री पाल। आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। आपका अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1024 किलोबाइट्स, बी 1024 मेगाबाइट्स, सी 1024 गीगाबाइट्स, डी 1024 टेराबाइट्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए फिलीपींस, बी न्यूजीलैंड, सी जर्मनी, डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रामायण और महाभारत दोनों में नजर आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए हनुमान, बी वेद व्यास, सी दशरथ, डी दुर्योधन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हनुमान। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग पर कभी पसीना नहीं आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए दांत, बी जीभ, सी होंठ, डी बाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी होंठ। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी अशोक, डी बिंदुसार।
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस है ए कमलजीत संधु, बी सुचेता कृपलानी, सी राजिया बेगम, डी पछेंद्री पाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कमलजीत संधु। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आंदलो, बी कंगारू, सी कंखजुरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कंगारू। आपका अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए टाइटन, बी जुपिटर, सी सन, डी अल्फा सेंटो। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जुपिटर। आपका अगला प्रश्न है, वीना पानी किस देवी का एक और नाम है? आपके ऑप्शंस है ए दुर्गा, बी सरस्वती, सी सीता, डी लक्ष्मी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपके ऑप्शंस है ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बंगाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, कितने देशों में एक भी पेड़ नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए 5 देशों में, बी 4 देशों में, सी 6 देशों में, डी 10 देशों में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 देशों में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही जीके के मजेदार सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।